एक समय की बात है, नागपुर शहर के पास वल्ली नाम का एक गांव है, जिस गांव में तिलक यादव और किशोरी नाम का एक बहुत ही गरीब मजदूर जोड़ा रहा करता था। तिलक यादव कोयले की खान में मजदूरी का काम किया करते थे। उन्हें 3 लड़के और 1 बेटी थी। तिलक यादव दिन भर कोयले की खदानों में मजदूरी करते थे। बड़े ही अधिक मेहनत के बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वो अपना घर चलाया करते थे। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आता था कि उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। उन्हें हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे खूब पढ़ाई करें। उनके एक बेटे का नाम था उमेश, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1987 को हुआ था। उमेश बचपन से ही अपने माँ के लाडले थे। जब उमेश छोटे थे तो वह हमेशा अपने पिताजी से कहते थे, पापा मैं जिंदगी में या तो कुछ अच्छा करूँगा या फिर बर्बाद हो जाऊँगा। उमेश को पता था कि उनके घर के हालात बहुत खराब है। जैसे तैसे उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हुआ करती थी। जब उमेश 7वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उमेश को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो अपने गांव की टीम की ओर से हमेशा खेला करते थे। गाँव के बाहर जो भी टूर्नामेंट होती थी उसमें उमेश टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। वो एक दिन में अपने गांव की टीम की ओर से 3-3 मैचेस खेला करते थे। उनकी तेज बॉलिंग और सटीक यॉर्कर की वजह से वो हमेशा ही अच्छे अच्छे बैट्समैन को जल्दी ही आउट कर दिया करते थे। इसीलिए वो ज़्यादातर मैचों में मैन ऑफ द मैच चुने जाते थे, जिनसे उन्हें 500 से 1000 रुपये मिलते थे। अब वो उन पैसों से घर का गुजारा भी करते थे। गरीबी के कारण उन्हें पता था कि मुझे कोई भी अच्छे कपड़े, बैट, बॉल या स्नीकर्स खरीद कर नहीं देने वाला। उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, इसीलिए वो कभी भी घर से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते थे। उल्टा जितना हो सके अपने पिता को मदद कर दिया करते थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद उमेश आर्मी में जाना चाहते थे, पर वो आर्मी और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में सफल ना हो सके। हर जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद उन्हें लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। बचपन से ही उमेश टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। जिंदगी से निराश होने की वजह से वो अपने अग्रेशन को फास्ट बॉलिंग के जरिए कम करने की कोशिश किया करते थे। उन्हें जितना ज़्यादा गुस्सा आता था वो उतनी ही तेज़ बॉलिंग करते थे। वो बहुत तेज़ गेंद फेंकने लगे थे, क्योंकि उनके हिसाब से यही एक जरिया था जिससे वो अपनी अंदर की एनर्जी बाहर ला सके। उनके पास लेदर बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने कुछ समय तक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें विदर्भ जिमखाना के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और यही आकर उन्होंने पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग की। दोस्तों, इस समय उमेश 20 साल के थे और किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए 20 साल की उम्र बहुत ज़्यादा लेट होती है लेदर बॉल से शुरुआत करने के लिए। उमेश के लिए लेदर बॉल के साथ कई नए चैलेंजेस आ गए थे। उनकी बॉलिंग बेशक बहुत तेज थी, पर उसमें कोई लाइन और डायरेक्शन नहीं थी। उस वक्त जो भी उमेश को बॉलिंग करते हुए देखता तो यही कहता था कि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा रॉ है और इसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उमेश प्रैक्टिस के लिए तैयार थे। उमेश ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही समय के अंदर वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनकर उभर आए। इसके बाद उनका दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन में सिलेक्शन हो गया। वर्ष 2008 में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। उन्होंने 3 नवंबर 2008 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यूट किया और उमेश ने पहले मैच से ही विकेट निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद अब उभरते खिलाड़ियों में उमेश का नाम सबसे ऊपर आने लगा और फिर 2008 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने उन्हें अपनी टीम के लिए चुना, जिसके लिए उन्हें करीब 20 लाख रुपए दिए गए। आईपीएल में खेलने से हुई कमाई से उन्होंने पहले अपने परिवार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी को हराया। फिर 2010 में उन्हें इंडियन ओडीआई टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद से वो इंडियन टीम का हिस्सा है। उमेश ने वर्ष 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के दौरान उन्होंने 145 किलोमीटर घंटा की औसत गति से गेंदबाजी की और 14 विकेट झटके। उमेश यादव इंडिया के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज है। उनकी सबसे तेज गेंद
उन्होंने 2012 में की थी। 2014 में वो कोलकाता नाइट राइडर का हिस्सा बने और फिर 2018 से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी उमेश यादव की उनकी प्रोफेशनल लाइफ। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली बेस्ड तानिया वाधवा से 2013 में शादी की, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। उमेश यादव का कहना है, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने बहुत हार्ड लाइफ देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी यहाँ तक पहुँचा नहीं। तो उनका मानना है, हार्ड लाइफ हर किसी की होती है, किसी की लाइफ ईजी नहीं है। मेन चीज है बिलीव करना, और अगर आप करते हो तो आपको आपकी जगह मिलती ही है। दैट्स इट। दोस्तों, उमेश यादव एक ऐसा नाम है जिनको ना ही कोई सपोर्ट था और ना ही किसी का सहारा, लेकिन उनमें अपने आप में एक आग थी, एक चमक थी कुछ कर जाने की। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर आए परिस्थितियों का डटकर सामना किया और उन्हें हराया, अपनी मंजिल के रास्ते खुद तय किए। एक छोटे से गांव में एक मजदूर के घर जन्मे उमेश ने यह साबित किया कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बस एक चीज की जरूरत होती है, और वो है तुम्हारा जज्बा। बस तुम अपने सपने के प्रति कितने ईमानदार हो और उसे पाने के लिए कितना दे सकते हो, और आगे जाकर यही तुम्हारी तकदीर बन जाती है। सक्सेस होने का बस एक ही रास्ता है, और वो है बस मेहनत। हरिपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का लड़का रहा करता था। उसके पिताजी रघु खेतों में काम किया करते थे। उनके गांव में पानी की समस्या होने के कारण किसी भी खेत में अच्छी फसल नहीं आती थी। उन लोगों का जीवन व्यतीत हो इतना ही वो कमा पाते थे। ऐसे ही 5 साल बाद उनके गांव में सूखा पड़ गया था। उसी के कारण लोग गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चले गए। रघु एक दिन अपनी पत्नी सीमा से, सीमा मुझे लगता है कि इस साल भी बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं हुई तो हर साल की तरह इस साल भी हमारे खाने के लाले पड़ेंगे। हाँ सीमा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हम। हाँ, रघु और सीमा की बातें सुंदर सुन रहा था। सुंदर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हर रोज दूसरे गांव जाता था। सुंदर जब भी अपने कॉलेज के लिए निकलता तो उसे रास्ते में बहुत सारी पानी की बोतलें फेंकी हुई दिखाई पड़ती थी। एक दिन सड़क पर सुंदर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी ने प्लास्टिक की बोतल नीचे फेंक दी और आगे चला गया। सुंदर अपने दोस्तों से, अरे ये लोग तो कहीं पे भी कचरा डाल देते है, रोड पर देखो कितनी बोतलें पड़ी है। अरे ये तो हर रोज का है, जाने दो, उन लोगों पर ध्यान मत दो। इससे कितना प्रदूषण होता है। अरे तुम भी ना, छोड़ो, चलो हम खेत में जाते हैं। ऐसा कहकर सुंदर और हरीश एक साथ खेत में चले जाते हैं। उनके गांव में पानी की कमी होने के कारण उनके खेत बंजर हो चुके थे। सुंदर हरीश से, इन खेतों में कैसे फसल आएगी? क्या पता, मुझे नहीं लगता इस साल भी बारिश होगी। हमारे गांव में पेड़ पौधे भी तो बहुत कम है, इसी वजह से हमारे गांव में बारिश कम होती है। हाँ सुंदर, तुम सही कह रहे हो, मगर हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हरीश, हम चाहे तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हमारा गांव समृद्ध कर सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं सुंदर, कोई कुछ नहीं करता, चलो घर चले, बहुत देर हो रही है। अब सुंदर और हरीश घर चले जाते हैं। सुंदर घर आते ही सोचने लगता है, क्या किया जाए जिससे इस साल खेत में अच्छी फसल आए। सुंदर सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब सुंदर कॉलेज जाने के लिए निकलता है, तब उसे प्लास्टिक की बहुत सारी बोतलें एक जगह पड़ी दिखाई देती है। तभी सुंदर खुद से, मैं इन प्लास्टिक की बोतलों से कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर ने एक प्लास्टिक की बोतल उठा ली और अपने बैग में डाल दी। घर आकर उसने बोतल को फिर से देखना शुरू कर दिया। सुंदर ने बोतल के ढक्कन पर एक छेद किया और बोतल में पानी भर दिया, और बाहर आंगन में आकर एक पौधे को पानी डालकर उसका समय देखने लगा। एक बोतल का पानी 25 मिनट में खत्म हो गया। ये देख सुंदर, अगर ये एक बोतल 25 मिनट में खत्म हो रही है तो मैं हमारे खेत में इसका उपयोग कर सकता हूँ, इससे पौधों को धीरे धीरे पानी मिलेगा। सुंदर अगले दिन सुबह जाकर बहुत सी पानी की बोतल उठा रहा था,
तभी पांडुरंग चाचा सुंदर से, सुंदर तुम ये पानी की खाली बोतल क्यों उठा रहे हो? चाचा मुझे इन खाली बॉटल्स का काम है, इसलिए जमा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर पानी की बोतलें कम पड़े तो हमारे यहाँ से भी लेकर जाना। ऐसा कहकर पांडुरंग चाचा हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर बोतल को उठाकर एक थैली में भर देता है। एक जगह बहुत सारी औरतें खड़ी थी, उनमें से एक औरत श्यामा सुंदर से, सुंदर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये खाली पानी की बोतल क्यों चाहिए? मुझे काम है चाची। ठीक है बेटे, मगर ऐसे बोतल उठाना अच्छा नहीं लगता। चाची मैं इन पानी की बोतल का रीयूज करने वाला हूँ। ठीक है बेटे, ऐसा कहकर श्यामा भी वहाँ से चली जाती है। अब सुंदर खाली पानी की बोतल लेकर खेत में चला जाता है। खेत में जाकर सुंदर ने सभी पानी की बोतल रस्सी की सहायता से लकड़ी को बांध दी और हर एक बोतल के नीचे एक छोटा सा छेद कर देता है। सुंदर सभी पेड़ों के जड़ों के पास एक एक पानी की बोतल बांध देता है। सुंदर के खेत में अमरूद के पेड़ लगाए हुए थे, उनको पानी ना मिलने के कारण सभी पेड़ सूखने लगे थे। अब सुंदर बोतल में पानी डालता है और हर एक पेड़ को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलने लगता है। हाँ, इससे मेरे पौधे अच्छे बनेंगे और उनको फल भी लगेंगे। खेत में हर पेड़ के पास बोतल रखी देख सभी लोग सुंदर को हंसने लगे थे। एक आदमी रघु से, अरे रघु तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता कि सुंदर क्या कर रहा है, मगर मेरा बेटा जो भी करेगा ठीक ही करेगा। ऐसा कहकर रघु उनको चुप करवा देता है। तभी सरपंच जी रघु से, रघु ऐसे कुछ भी मत करो, खेत में बना बनाया अमरूद का बाग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सरपंच जी उसने एक बार मन में ठान ली है तो करने दीजिए, वैसे भी हमें फसल कहाँ ज्यादा होती है, जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। ठीक है तुम्हें सब सही लगता है तो हमें क्या। सरपंच जी और बाकी के गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब रघु वहां खड़ा रहकर अपना बेटा क्या कर रहा है ये देख रहा था। तभी सीमा रघु से, अजय सुंदर जो कर रहा है वो सही तो है ना? वो सरपंच जी से लेकर सारे लोग बोल रहे हैं इसीलिए पूछा। अरे सीमा लोग तो वैसे भी नाम रखते ही है, और तुम इस बात पर गौर क्यों नहीं करती कि तुम्हारा बेटा कुछ तो कर रहा है? ना कुछ करने से तो बहुत अच्छा है। हाँ आप सही कह रहे हो, हमारा बेटा कुछ तो कर रहा है, उसके मन में ऐसा विचार तो आया। ऐसा कहकर सीमा और रघु वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर बहुत मेहनत करता है, उसकी योजना काम कर गई थी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। सुंदर के खेत में अमरूद के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे अमरूद भी लगने लगे थे। तभी सुंदर अपने पिताजी से, पिताजी देखिए हमारे अमरूद के पेड़ कितने हरे भरे हुए हैं और अमरूद भी लगने लगे हैं। हाँ सुंदर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचार ने हमें डूबने से बचा लिया, आज तक इतनी अच्छी फसल किसी की नहीं हुई है, तुमने तो वो कर दिया जो आज तक हमारे गाँव में कोई नहीं कर पाया। हाँ कुछ ही दिनों में अमरूद पकने लगे। अब रघु शहर जाकर अमरूद बेचने लगा था ताकि उसे अच्छा दाम मिल सके। सुंदर के विचार से इस साल सूखा पड़ने के बाद भी उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था। उस दिन सरपंच जी सुंदर से, सुंदर हमने तुमको गलत समझा और हमने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारी एक नई कल्पना की वजह से तुम्हें बहुत अच्छी फसल आई है। सरपंच जी इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। इस प्रकार खेती जहाँ पानी कम होता है वहाँ इस तंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम भी हमारे खेतों में इस प्रणाली का उपयोग करेंगे, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ सरपंच जी मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। ऐसा कहकर सुंदर अपने पिताजी के साथ घर चला जाता है। उसकी कल्पना बहुत अच्छी तरह से काम कर गई थी। उसके एक कल्पना से सभी गाँव वालों को एक प्रकार की प्रेरणा मिली थी। आज सुंदर का नाम गांव वाले बड़े आदर से ले रहे थे। जो लोग एक समय सुंदर पर हंस रहे थे वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। सुंदर अब अच्छी तरक्की करने लगा था, अपने विचारों से लोगों की मदद भी कर दिया करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी कल्पनाओं को हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। बहुत दिनों की बात है, एक शहर में 4 दोस्त राजू श्याम रॉकी और विजय रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक साथ खेलते और एक ही साथ स्कूल में जाया करते थे। राजू श्याम और रॉकी के घर की परिस्थिति अच्छी थी,
मगर विजय के घर के हालात बहुत बुरे थे। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था, तभी उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजू ने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाकर, मैंने एक योजना बनाई है, हम सब पैसे जमा करके गणेश जी की मूर्ति लाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। हाँ, मैं भी कल मेरे मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाऊंगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, मैं कल ही घर से पैसे लेकर आऊंगा। उन तीनों की बातें सुन विजय ने कहा, दोस्तों मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। विजय की बातें सुन राजू को गुस्सा आया। राजू गुस्से से विजय से, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम हमारे साथ गणेश पूजन में नहीं आ सकते। अगर तुमने पैसे दिए तो ही हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। राजू के ऐसे कहते ही विजय उदास मन से घर लौट आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देख विजय की माँ सीमा विजय से, बेटा तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ है? माँ, मेरे दोस्त गणेश जी की मूर्ति लाने वाले हैं और उनका कहना है जो पैसे देगा वही उसकी पूजा कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी पूजा में नहीं आ सकते। बेटे, इतनी सी बात को लेकर कोई उदास होता है भला? माँ, मेरे सारे दोस्त गणेश जी की मूर्ति बैठाएंगे, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति बैठानी है। चलो हम एक काम करेंगे, सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, वो रंगों वाली नहीं जिसमें रासायनिक रंग होते हैं। हम तो तालाब की साफ मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, जिससे जल प्रदूषण भी नहीं होगा और गणेश जी की मूर्ति भी बन जाएगी। फिर तुम उसे स्थापन करके पूजा करना। सच में माँ? हाँ बेटे, चलो हम तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं। हाँ चलो माँ। ऐसा कहकर दोनों तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं और उसे एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को घर के सामने बरामदे में रखकर उसे फूलों से सजाते हैं और फिर मूर्ति की स्थापना करते हैं। पंडाल तैयार हो जाने के बाद विजय वही गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ जाता है। विजय अकेला बैठा होने के कारण उसे उसके दोस्तों की बहुत याद आती है। वो खुद से, मेरे सारे दोस्त वहाँ खेल रहे होंगे और मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उसकी ये बातें गणेश जी सुन लेते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी विजय से, उदास क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। गणेश जी, आप मेरे लिए आए हो क्या? आप मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? हाँ विजय, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी और विजय खेलने लगे। गणेश जी विजय के साथ खूब मस्ती कर रहे थे, तभी विजय के दोस्त उसके घर आकर विजय से, अरे तुम किसके साथ खेल रहे हो, और ये है तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति? हमारी मूर्ति देखो कितनी रंगों से भरी और सुंदर है, और एक तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति देखो कैसे लग रही है। ऐसा कहकर विजय के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी रॉकी विजय से, इसके गणेश जी के मूर्ति में तो रंग ही नहीं है, और ये मूर्ख किसके साथ खेल रहा था क्या पता। रॉकी विजय का मजाक उड़ा रहा था, तभी विजय ने रॉकी से, मैं गणेश जी के साथ खेल रहा था, वो मूर्ति में से निकलकर मेरे साथ खेलने के लिए आए हैं। विजय की बातें सुन सभी दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। और राजू, अरे सच में ये पागल हो गया है अब तो, कोई मूर्ति भला बोलिया खेल सकती है क्या? ऐसा कहकर सभी दोस्त विजय का मजाक उड़ाने लगे। तभी विजय अपने दोस्तों से, तुम्हें मानना है तो मानो वरना चले जाओ यहाँ से, मेरा दोस्त बाल गणेशा मेरे साथ है। हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहाँ से चले गए। तभी बाल गणेशा विजय के पास आकर, क्या ये तुम्हारे वही दोस्त है जो तुम्हारे साथ नहीं खेलते? हाँ गणेश जी, ये मेरे वही दोस्त है, देखो वो अभी भी मेरे साथ नहीं खेल रहे, और कोई मेरे साथ तुम खेल रहे हो इस बात को भी नहीं मानता। कोई बात नहीं विजय, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। गणेश जी, वो जैसे भी हैं मेरे दोस्त हैं, आप उनको कुछ मत करना। तुम परेशान मत हो विजय, मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर गणेश जी ने अपना चमत्कार किया। गणेश जी ने सूंड से राजू को उठाया और दूर जाके गिरा दिया। राजू जल्दी से उठता है और अपने दोस्तों से, अरे रे रे, ये किसने गिराया मुझे? सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजू को विजय की बात याद आई। अरे
विजय बोल रहा था कि उसके साथ गणेश जी खेलते हैं। मुझे लगता है ये चमत्कार उन्होंने ही किया है। ऐसा कहकर राजू और उसके दोस्त विजय के पास चले गए। वहाँ जाकर राजू, विजय तुम सच कह रहे थे कि तुम्हारे साथ गणेश जी खेलते हैं। उन्होंने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। हमें माफ कर दीजिए गणेश जी, हमने तो आपकी रंगों भरी मूर्ति लाई थी, फिर भी आप इस मिट्टी के मूर्ति में प्रकट हुए, ऐसा क्यों गणेश जी? तभी गणेश जी सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और बच्चों से, मैं रंगों की मूर्ति को नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना करो। विजय ने तालाब के पास जाकर तालाब की साफ मिट्टी से मेरी सीधी साधी मूर्ति बनाई। ये मूर्ति ना तो रंगों के केमिकल से बनी है, ना ये पर्यावरण के लिए कोई हानि पहुंचाती है। इस मूर्ति से तालाब के जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए मैं विजय की मूर्ति में प्रकट हुआ हूँ। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों ने जल्दी से गणेश जी की माफी मांगी। गणेश जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ गणेश जी हमें माफ कर दीजिए। बच्चों की बातें सुन गणेश जी उन्हें माफ कर देते हैं और सारे दोस्त मिलकर विजय के पंडाल में ही गणेश उत्सव मनाते हैं। हर रोज गणपति की पूजा करते हैं। बच्चों ने उस साल गणेश चतुर्थी बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े धूमधाम से मनाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गणेश चतुर्थी पर हमें सिर्फ मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए, केमिकल मिश्रित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।